उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है जातिगत जनगणना की। सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन बात इतनी सी है, बड़ी छोटी सी एक बात है कि हिस्सेदारी। तो ये हिस्सेदारी कैसे आएगी? चलिए, योजनाएं तो पहुंच जाएगी, ये भी पता लग जाएगा कि अमीर हैं गरीब हैं, सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन वो जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो वो जो कुर्सी है जिसके खेल में आज सब कुछ हो जाता है, वो कैसे होगा? क्या कहेंगे आप उपाध्याय जी? कौन हिस्सेदारी दे रहा है स्वामी जी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टिकट देती है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को टिकट? सत्ता में भागीदारी तो तब होगी जब ईडब्ल्यूएस को टिकट देंगे, वो चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा, हाँ, वो एमपी बनेगा, वो एमएलए बनेगा, वो विधानसभा पहुंचेगा, वो संसद में जाएगा। कह देने भर से नहीं होता है। सब अपना वोट बैंक साधने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा देखिए ये जाति इतने परसेंट थी, इसको नहीं मिला। जैसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भी राजभरों को कुछ नहीं मिला, सब यादव खा गए। ये कह देने भर से नहीं है। जब अपने बेनिफिट के लिए आप समाज को, जातियों को, धर्म को प्रयोग में लाने लगेंगे तो ये तरह तरह के जो नैरेटिव सेट करते हैं ना आप, कहाँ है सरकारी नौकरियां जहां आरक्षण में ला हो? कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं? आरक्षण का फायदा किसको? जिसने ले लिया वो ले लिया। आज कितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है? न किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरक्षण से लेना देना, न गरीबों के उत्थान की बात हो। बीएसपी इसीलिए तिलक तलाजू और तरवार इनको मारो जूते चार, उनकी बात में समझ में आई, उन्होंने कहा भाई ऐसे सत्ता में नहीं आ सकते, तो उन्होंने फिर कह दिया अरे विष्णु नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों को जनता से या गरीब से या किसी जाति से कुछ नहीं लेना देना। इनको ये है कि भाई हमारा भला कैसे हो सकता है, हमें फायदा कैसे मिले, चाहे वो रामचरित मानस की बुराई करके मिले, चाहे राम की बुराई करके मिले, या उपाध्याय जी की बुराई करके मिले। इनका तो ऑब्जेक्ट वोट है ना। आप देखिए ना कि हम किस शताब्दी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, और उसके बाद हम जातिगत जनगणना पर जो बहुत सारे पेच हैं उस पर कोई भी स्पष्ट राय रखना नहीं चाहता। स्पष्ट राय कैसे रखेंगे? सबके अपने अपने हित हैं। हाँ, अपने हित तो कोई नहीं छोड़ेगा। वो सोचता है कि शायद मैं भगवान राम को गाली दूंगा तो अमुक जाति या अमुक वर्ग मुझे वोट करेगा। यानी जब बांटने की राजनीति हो तो फिर देश और समाज और नागरिक, जबकि बड़ा सीधा सा पैरामीटर होना चाहिए कि जो भी गरीब है उसको बिल्कुल, जो समाज के कहते हैं अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसका विकास हो, उस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। मुझे बताएं कितने दलितों का भला हो गया, कितने यादवों का भला हो गया। अलग अलग पार्टियां असुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं, उन्होंने कितने मुस्लिमों का भला किया? अपना भला जरूर कर लेते हैं, यहां तक होता है नेता कोई रिजाइन कर रहा होता है, कह रहा मैं जनता के हित में रिजाइन कर रहा हूं। भाई ये पार्टी जनता के लिए ठीक काम नहीं कर रही है, और जनता भी जानती है क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो, तुम्हें यहाँ कुर्सी नहीं मिली। बहुत सारी चीजें अरबी उपाध्याय जी, यही तो बात है। और कपीश भाई देखिए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का है, उसके विकास की बात क्यों नहीं करनी चाहिए, उसकी जनगणना की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? और जातिगत जनगणना ये कहां विश्वास दिलाती है कि जो और छोटी जातियां हैं जिनकी हिस्सेदारी भी और भागीदारी भी बहुत कम है, वो सुरक्षित रहेंगी?